4 फरवरी से हम 36वां सप्ताह शुरू हो रहा है, तो उसमें हम एक सप्ताह लगातार विभिन्न जरूरत विशेष जो मौलिक नियम है ट्रैफिक के, उनसे उनकी जानकारी अलग अलग जगह देंगे और लोगों को सेमिनार करेंगे। यातायात संगीत दतिया से हमारे संवाददाता राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। दतिया जिले में हो रहे अवैध उत्खनन और अवैध रेत परिवहन के चलते आज दतिया पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई बड़ी कार्रवाई, जहां एक ओर कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जिले के अंदर ना तो रेत का अवैध उत्खनन होगा ना ही परिवहन, लेकिन दतिया जिले में देखने में आ रहा है कि बड़ौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसाडा की अवैध रेत खनन के द्वारा थाना प्रभारी एवं वन विभाग के द्वारा खुले आम रेत माफियों को संरक्षण देकर भटासा रेत खदानों में अवैध उत्खनन कर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसका जीता जागता उदाहरण शुक्रवार को हुई NH-75 बड़ौनी तिराहे पर थाना प्रभारी कोतवाली शेर सिंह द्वारा की गई कार्रवाई में देखा गया, जिसमें 1.5 दर्जन ट्रैक्टर ट्राली रेत के अवैध परिवहन करते बेचने के लिए दतिया की ओर जा रही थे। थाना कोतवाली की पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पकड़ा। 24 जनवरी को पुलिस अधीक्षक माइंक अवस्थी द्वारा समस्त थानों में निर्देश दिया गया था और थाना प्रभारियों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक माइंक अवस्थी ने जिले में हो रहे अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोक लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया था। किसी भी थाने के अंतर्गत रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद दतिया जी को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। इसमें SDM साहब, माइनिंग और प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस का पूरा इसमें सहयोग रहता है और जहाँ भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई तत्काल फोर्स भेजकर उसमें कार्रवाई कराई जा रही है। बीती शाम को भी दतिया से हमारे संवाददाता राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने दतिया में एक बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 12 ज्वारी सहित 1,30,000 रुपया नकद जब्त किए गए। दतिया कोतवाली पुलिस TI शेर सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम झारिया के भूता जंगल में हार जीत का दाव लगा रहे ज्वारियों को गिरफ्तार किया और कोतवाली पुलिस ने ज्वारियों को गिरफ्तार करने के बाद जुलूस निकाला। जुलूस बम बम महादेव राजगढ़ चौराहा पुरानी कलेक्ट्रेट सिविल लाइन रोड होते हुए कोतवाली पहुंचा। ज्वारियों की धरपकड़ में लगभग 12 ज्वारी गिरफ्तार। यह बड़ी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक माइंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चामला के निर्देश पर कोतवाली TI शेर सिंह, गोराघाट थाना प्रभारी शैलेंद्र गुर्जर, तिगना थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ज्वारियों से लगभग 1,30,000 रुपए नकद जब्त किए गए। 12 मोबाइल एवं 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई। दतिया से हमारे संवाददाता राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। भूता के जंगल में कुछ ज्वारियों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आदेश प्राप्त होने पर मेरे द्वारा गठित की गई जनसंरक्षित केंद्र का बल, थाना कोतवाली का बल, इनके द्वारा दबिश दी गई। दबिश में 12 लोगों को पकड़ा गया है और जिसमें करीबन 1,25,000 रुपया नकद जब्त हुआ है और 7 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर उनसे जब्त हुई है, 14 मोबाइल और 14 मोबाइल है और ये कार्रवाई।